Hello friends, I am Dipanshi Sethi and today we will discuss about section 13 and section 14 of Transfer of Property Act 1882. So friends, section 5 mein humne padha tha ki a property can be transferred to a person who is living at the time of transfer. So ye us section ka exception hai. Section 13 bolta hai a property can be transferred to an unborn child as well. तो आपको एक प्रॉपर्टी अगर किसी एक ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है जो एग्जिस्टिंग ही नहीं है ट्रांसफ़र के टाइम पे, तो उसके लिए आपको एक लाइफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है और आप उस पर्सन को एक लाइफ इंटरेस्ट का लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं और जैसे ही वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका बर्थ होगा तो वो प्रॉपर्टी उस चाइल्ड के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब अनबॉर्न चाइल्ड के पास जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा, उसके अंदर आप कोई भी क्लॉज नहीं लगा सकते हैं। अब एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र और लाइफ इंटरेस्ट या प्योर इंटरेस्ट में क्या प्योर ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं। सपोज आपने किसी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी विद लाइफ इंटरेस्ट, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो पर्सन जो है वो लाइफ टाइम उस प्रॉपर्टी को इन्जॉय कर सकता है, उसके अंदर रह सकता है, बट उसको किसी और को मॉर्गेज नहीं कर सकता या फिर उसको वो कभी भी सेल नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट नहीं है। अब एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है कि उसके अंदर आप कोई भी क्लॉज नहीं लगा सकते हैं, उसके अंदर ट्रांसफरी के पास सारे राइट होते हैं, वो चाहे तो उसको डिमोलिश करे या सेल करे या मॉर्गेज करे, उसके पास सब राइट्स होते हैं। तो ये होता है हमारा सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 ये भी बोलता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जब भी आप किसी अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र होना है प्रॉपर्टी का, तो जो लास्ट पर्सन था जिसको लाइफ इंटरेस्ट दिया गया था उसका लिविंग होना उस टाइम पर ज़रूरी है। अगर वो लिविंग नहीं है तो उस चाइल्ड को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, वो जो ट्रांसफ़र था वो कैंसिल हो जाएगा। तो सपोज़ ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दी, ए का सन था बी, बी का अभी जो सन होगा उसका नाम होगा सी, तो ए ने लाइफ इंटरेस्ट दिया बी को कि बी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को, और तो इस केस में सी के पास एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। सपोज़ इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए का सन था बी और बी का फर्स्ट सन था सी और उसका सेकंड सन जो था वो था डी, अभी सी और डी दोनों पैदा नहीं हुए हैं, तो ए ने ये ट्रांसफ़र डीड बनाई कि ए के बाद ए की लाइफ इंटरेस्ट के बाद बी के पास प्रॉपर्टी जाएगी और बी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी और सी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी डी को जाएगी, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि सी जो था वो अनबॉर्न चाइल्ड था और उसको लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। तो अनबॉर्न चाइल्ड को सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके अंदर लाइफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। अब सेक्शन 13 के बाद आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट परपेचुटी, तो ये सेक्शन बोलता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाउंड करके नहीं रख सकते हो, उसका सेल परचेज होते रहना चाहिए। अब इस सेक्शन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसके लिए हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, तो स्टैम्प ड्यूटी से गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होता है। तो अब परपेचुटी क्या बोलता है कि जो भी पर्सन अभी लिविंग है आप उनको लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो भी पर्सन अनबॉर्न चाइल्ड है, जो भी अनबॉर्न चाइल्ड है उसके अंदर सिर्फ आप एक ही पर्सन को एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके अंदर आप लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज़ ए का बेटा था बी, बी का बेटा था सी और सी का बेटा था डी, ये सब अभी लिविंग है और डी का अभी जो बेटा होगा वो होगा जो कि अनबॉर्न चाइल्ड है वो है ई, तो ए ने कहा कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी बी को, बी के मरने के बाद जाएगी सी को और सी के मरने के बाद जाएगी डी को और डी के मरने के बाद जाएगी ई को। तो ई को जब अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड है, बट अगर ए ये क्लॉज लगा देता है कि ई जो पैदा नहीं हुआ है ई को भी लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा और ई के बाद प्रॉपर्टी जाएगी एफ को, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि आप सिर्फ एक ही अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड दैट टू आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
तो ये हमारा सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 का खत्म होता है। अगर आप अब इसके बाद बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को दोनों को साथ में पढ़ना, क्योंकि वो दोनों कंटिन्यूएशन में है। तो ये हमारा सेक्शन 13 और 14 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, कीप व्यूइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।